हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जियो फोन के बारे में। तो बहुत ही चर्चित फोन है ये जियो का, जिसका रेट रखा गया है 1500 रुपये, और वो भी आपको 3 साल बाद वो 1500 रुपये आप वापिस ले सकते हैं अपना फोन देने के बाद। तो 1500 रुपये रेट है उसका, बट जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो अंबानी जी ने बताया था ये फोन जो है आपको फ्री में मिलेगा, बट आपको सिक्योरिटी मनी 1500 रुपये जमा कराना पड़ेगा। तो फाइनली वो डेट आ गई है, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन चल रही थी, अभी आप उसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तो देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारा ये चैनल और साथ वाली घंटी को जरूर बजाइए ताकि आप देख पाए सबसे पहले हमारी वीडियोस बिल्कुल फ्री में। तो ये जो फोन है आप 3 तरीकों से बुक कर सकते हैं। एक तो आप इसकी जो jio.com वेबसाइट है वहां से बुक कर सकते हैं, दूसरा जो ऐप है वहां से बुक कर सकते हैं, और तीसरा आप किसी भी जियो डिजिटल स्टोर पे जाके ये फोन बुक करवा सकते हैं 500 रुपये देने के बाद। जी हाँ, आपको कई वीडियोस ऐसे मिल रही होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि फ्री में बुक करें कैसे, तो वो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो खबर निकल के आ रही है कि सबको ही पता है कि भाई जो ये करीब करीब जो जियो है, जो जियो फोन आने वाला है, उसका टारगेट है 50 करोड़ से ज़्यादा फोन, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करेगा और 50 करोड़ तक यूजर तक पहुंचाने का इस कंपनी का लक्ष्य है। और जो इस फ़ोन की आपूर्ति की जाएगी, लगभग हर हफ्ते 50 लाख फ़ोन जो है वो जियो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी अगर 50 लाख मतलब कुल मिला के 50 लाख हर हफ्ते फ़ोन जो है जियो आपको देने जा रहा है। और मैं एक बार डेट अगेन बता देता हूँ आपको, 24 अगस्त शाम 5 बजे से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, जिसका 500 रुपये दे के आप कंपनी की जो वेबसाइट है jio.com या फिर माई जियो ऐप या फिर रिलायंस डिजिटल स्टोर, कहीं से भी आप जाके दे सकते हैं। 500 रुपये देने के बाद बाकी जब आपको फ़ोन मिलेगा तब आपको 1000 रुपये देना है। 3 साल चलाने के बाद अगर आपको लगता है कि फ़ोन में मजेदारी नहीं है तो फिर आप वापस भी ले सकते हैं अपने 1500 रुपये, लेकिन वो 3 साल फ़ोन चल तो जाए। आजकल 1 साल तो फ़ोन चलते नहीं है, तो 3 साल तो बड़ी देर, बहुत मतलब दूर की बात है। तो ये था इस वीडियो में, अभी फ़ोन के डिटेल्स कहेंगे तो मैं बता दूंगा। वैसे जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो इसके डिटेल्स पे बहुत सारी बात हुई थी कि इसमें क्या क्या चलेगा, क्या क्या नहीं चलेगा। तो आप लोग दोबारा मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ोन की जो फीचर्स हैं, क्या खासियत है, उस पर एक वीडियो बना दो, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए भी इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी पता चल जाए, जिसको फ़ोन बुक करना है बिल्कुल जाके बुक कर सकता है। फॉर मोर डिटेल्स, अगर आप फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर क्या इस फ़ोन के फीचर होंगे, क्या रिचार्ज होगा, उस सब के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।